सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉग्स। सो गाइज, आज के में बात करेंगे होंडा रिबेल 500 के बारे में, इसके इंजन और गियर बॉक्स, ब्रेक, सस्पेंशन और डायमेंशन, वेट्स वगैरह और सारी चीज़ों, माइलेज, टॉप स्पीड, प्राइस वगैरह, जो आपके सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इंजन से। तो इंजन से शुरू करने से पहले गाइज, आप वीडियो को देखते रहना, अभी एक छोटा सा इंट्रो आएगा उसको देख लेना, वीडियो को लाइक करना अच्छी लगे तो, और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी बताता हूँ आगे जाके। गाइस, सबसे पहले शुरू करें इंजन और गियरबॉक्स से। तो 471 सीसी का लिक्विड कूल DOHC का प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन के साथ डुअल सिलेंडर के साथ इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 44.9 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करेगा 8500 RPM पे, और 44.6 न्यूटन मीटर पे, जिसका टॉर्क होगा 6000 RPM पे। 6 गियर्स होंगे गाइस इस बाइक में, और वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ जो फाइनल ड्राइव होगी इसकी, वो होगी चेन वाली। इस ब्रेक्स एंड टायर्स की बात करें तो फ्रंट ब्रेक आपको इसमें हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और रियर ब्रेक भी आपको हाइड्रोलिक सिंगल डुअल डिस्क देखने को मिलेंगे इसमें। और गाइस, बात करें ABS की, तो इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। और इस बात करें टायर्स एंड व्हील्स की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टायर और व्हील्स की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दी है मैंने। मैं बोलता तो अजीब सा बोलता तो आप स्क्रीन पे देख लो गाइस। इसके बाद ट्यूबलेस टायर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, साथ ही साथ अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में 41mm के टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, रियर में शोवा के शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं प्रोलिंग सिस्टम के साथ। और व्हील की बात करें तो फ्रंट व्हील का ट्रेवल है 120mm की, रियर व्हील का ट्रेवल है 100mm का, और साइज़ तो आपने पहले देख लिया। और डायमेंशन और वेट की बात करें तो 2188 मतलब 2188mm का इसकी लेंथ होगी, 820mm की विड्थ होगी, 1094mm की हाइट होगी, सीट हाइट होगी 690mm की, ग्राउंड क्लियरेंस होगी 136mm की, व्हील बेस होगा 1488mm का, वेट जो होने वाला है वो 190 किलोग्राम होने वाला है इस बाइक का, और जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 11.22 लीटर्स की, और जो ऑयल इंजन ऑयल होगा वो होगा 3.2 लीटर का। गाइस, उसके बाद बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स की, तो सब कुछ डिजिटल होने वाला है, साथ में आपको ABS लाइट मिलेगी और बाकी सारी ज़रूरी लाइट जैसे लो फ्यूल इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। गाइस, बात करें बैटरी और लाइटिंग की, तो 12 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, हेडलाइट आपको 55 वॉट का बल्ब मिलता था पहले, और इस नए जो वेरिएंट अगर यही वाला आता है तो आपको LED मिलेगी, पीछे भी आपको LED मिलेगी, पहले 8.3 वॉट का बल्ब मिलता था गाइस। और सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर्स मिलेंगे, मतलब आप इंडिकेटर देखकर मुड़ जाते हो तो इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाएगा। इसके बाद गाइस, बात करें माइलेज की, तो अप्रॉक्स 25 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। और जहाँ तक बात करें माइलेज के साथ टॉप स्पीड की, तो 175 किलोमीटर पर आवर का इसका आपको माइलेज टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। और प्राइस की बात करें इंडिया में, तो अराउंड ये आपका 4.5 लाख से 5 लाख के बीच, अगर BS6 का है तो मी भी थोड़ी प्राइस कम कर सकती है होंडा, तो अराउंड आपको 4 से 5 लाख के बीच में अप्रॉक्स पड़ेगी। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना प्राइसिंग कैसी थी। लॉन्च डेट की बात करें तो एंड ऑफ 2021 के तक लॉन्च हो सकती है, 2021 के आखिर तक, उससे ज़्यादा डिले हो तो पता नहीं। गाइस, आपको पता है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मे बी उससे अफेक्ट हो सकता है और इस बाइक की प्रोडक्शन थोड़ी सी डिले हो सकती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, और तब तक के लिए बाय।